हेलो स्टूडेंट, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सफलता के लिए अभ्यर्थी प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू कुष्मांडा एसएससी एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सभी जो है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए जिनमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने ऑलरेडी 87 तक कर लिए थे। और अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक सेंटेंस या एक फ्रेज को रिप्लेस करने के लिए एक सिंगल वर्ड यूज़ होता है, उस वर्ड को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इन आपको चार ऑप्शंस दिए होंगे, इनमें से किसी एक ऑप्शन जो है वो आप इस पूरे सेंटेंस को रिप्लेस करने के लिए काफ़ी होगा, तो वो आपको बताना है कि कौन सा होगा। और आंसर्स मैं आपको बताऊंगा लेकिन आपको टाइम भी दूंगा गेस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम 87 पर छोड़ा था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे आप पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद जो है पिछली वीडियो पर जा सकते हैं आप। हम वीडियो पर चलते हैं जो 88 था, हमने यहाँ पर से स्टार्ट करना है। अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, यानी कि बिना किसी इन्विटेशन के जो आ जाए या फिर कहीं चला जाए किसी के इनवाइट करे बिना, उसको क्या बोलेंगे? इसका जो आंसर है वो आप सोचिए। इसका आंसर है डी बी, इंट्रूडर। अगर आपने कुछ इंग्लिश फिल्म्स भी देखी होंगी तो आपको पता होगा कि जब कोई बिना इनविटेशन के एंटर होता है किसी जगह पर तब इंट्रूडर अलर्ट होता है। दैट मींस कि एक बिना इनविटेशन के कोई जो है अंदर घुसा है। अगला जो है इसको देखते हैं, नॉट सूटेबल फॉर ईटिंग, जो खाने लायक ना हो उसको क्या बोलेंगे? आपके पास टाइम है। आंसर है इनएडिबल, बिकॉज एडिबल का मतलब होता है खाने लायक, खाया जा सकता है, और इनएडिबल का मतलब होता है जो सूटेबल नहीं है खाने के लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं 90, ऑफ वंस ओन फ्री विल, और इसका मीन्स होता है कि अपने आप अपने फ्री हैं और अपनी चॉइस आपके पास कुछ भी करने के लिए, तो इसको क्या बोला जाएगा? आंसर होगा सी, वॉलेंटरी, यानी कि अपनी चॉइस से आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसे वॉलेंटरी कहेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, जो जस्टिस या लॉ से या सच्चाई से जो है दूर भागता है तो उसे क्या बोलेंगे? आपके पास टाइम है, जवाब सोचिए। आंसर है ए, फ्यूजिटिव। नेक्स्ट पर चलते हैं, वन हु इज स्किलफुल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्किल है, जिसके पास काम करने की काबिलियत है, उसे क्या बोला जाएगा? आंसर है डी, डेक्स्टरस। डेक्स्टरस एक ऐसा वर्ड है जो यूज होता है स्किलफुल के लिए, जो बहुत स्किलफुल लोग होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट है, वन हु इज़ टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्य के बारे में सोचे बिना जो है काम करता है और ज़्यादा केयरलेस होता है भविष्य के लिए, उसे क्या बोला जाएगा? आंसर है बी, इम्प्रोविडेंट। नेक्स्ट पर चलते हैं, अ पर्सन हु डिजर्व्स ऑल प्रेज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सारी उसकी तारीफों के काबिल है, उसको क्या बोला जाएगा? आंसर है सी, लॉडेबल। नेक्स्ट पर चलते हैं, वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस हो एक व्यक्ति के पास, उसे क्या बोला जाएगा? आंसर है डी, वेटरन। नेक्स्ट पर चलते हैं, अ स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, एक ऐसी स्टडी जिसमें हम कई सालों पुरानी, हज़ारों सालों पुरानी या फिर जो है एंशियंट यानी कि बहुत पुरानी चीज़ों की जो है स्टडी करते हैं, उसे क्या बोला जाएगा? आपके पास टाइम है, सोचिए। अगर आपने आर्कियोलॉजी सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं, आंसर है बी, आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट है 97, इसमें जो है
हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है, हमें चूज़ करना है कि यहाँ पर वन वर्ड जो है वो कौन से सेंटेंस के लिए यूज़ होगा, हमें वो चूज़ करना है। एन एबिटॉयर इज डैश, एन एबिटॉयर इज डैश, तो यहाँ पर एबिटॉयर वर्ड है और इसका हमें सेंटेंस ढूंढना है। तो आंसर आप सोचिए, आंसर है ए, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, एक प्लेस जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, स्लॉटर करा जाता है। अगले पर देखते हैं, अ मैन विद अबनॉर्मल हैबिट्स, एक आदमी जिसकी हैबिट्स नॉर्मल नहीं है, कुछ बुरी आदतें हैं उसे, या कुछ जो है आदतें ऐसी हैं जो नॉर्मल लोगों की नहीं होती, उसे क्या कहा जाएगा। आंसर है ए, एसेंट्रिक। अगले पर चलते हैं, वर्ड्स इंस्क्राइब ऑन द टॉम, यानी कि एक गुंबद पर, एक टॉम पर लिखे हुए शब्द, ये हमने पहले भी पढ़ा था, तो अगर आपको ने वो वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको जवाब गैस करना चाहिए अब तक इसका। आंसर है सी, एपिटाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ सोवरेन, यानी कि एक सोवरेन आदमी की क्राउनिंग की सेरेमनी, इसे क्या बोला जाएगा। आंसर है सी, कॉर्नेशन। और सेरेमनी क्राउनिंग की मैं आपको बता दूं, सिर्फ डिक्टेटरशिप या फिर जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती वहाँ पर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है इंग्लैंड एक कंट्री है, वहाँ पर वन हु टेंड्स पेट्रोनाइज रीबफ इग्नोर पीपल्स रिगार्डेड एज सोशल इन्फीरियर एज इमिटेट एडमायर पीपल रिगार्डेड एज सोशल सुपीरियर्स, और जो है वो पीपल की सोशल इन्फीरियोरिटी को रिगार्ड में रखता है और वो रिस्पेक्ट करता है हाई सोशल पोजीशन की, यानी कि जो है सोशली जो लोग हाई पोजीशन पर है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हमारी सोशली अगर हम एग्ज़ाम्पल ले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, या फिर जो है सोशली का मतलब ये भी हो सकता है कि मे बी वो एज में बड़ा हो या किसी ग्रुप में सबसे बड़ा हो, तो जो आदमी उसकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है हम उसे क्या बोलेंगे। आंसर हमें ये देना है, आंसर होगा ए, स्नॉब। नेक्स्ट पर चलते हैं, अ रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट अनटिल बरियल, यानी कि डेड बॉडीज़ की अंतिम क्रिया से पहले उसे जहाँ रखा जाता है रूम के अंदर, तो उसे क्या बोला जाता है उस रूम को। आंसर है सी, मॉर्चुअरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अ पर्सन्स पेक्यूलियर हैबिट, एक पर्सन की जो हैबिट है, पेक्यूलियर हैबिट है, यानी कि बहुत ही रिसेंटली वो ये हैबिट को जो है काम में लेता है, इसे क्या बोला जाएगा। बी, आइडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, जब आप एक स्पीच को बिना प्रिपेयर करे देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है। आंसर होगा ए, मर्सिनरी। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, एक ऐसा काम कर देना जो लोगों को गुस्सा दिला सकता है, उसे क्या बोला जाएगा। आंसर होगा डी, इन्फ्लेमेटरी। और जैसे मैंने आपको इन्फ्लेमेटरी के बारे में पहले भी बताया, इन्फ्लेमेबल या इन्फ्लेमेटरी कहें, वो एक चीज़ होती है जो आग लग सकती है, जल्दी आग पकड़ सकती है। इसी तरीके से जब कोई एक्शन ऐसा किया जाता है जो लोगों को जल्दी गुस्सा दिला सके, यानी कि लोगों के दिमाग में जल्दी आग पकड़ सके, तो उसे इन्फ्लेमेटरी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, अ ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विद करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स,
एक ऐसी ड्राइंग जो करंट पॉलिटिक्स से डील करते हुए कुछ बनाई जाती है, उसे क्या बोला जाएगा? आंसर आपको सोचना है। आंसर होगा सी, कार्टून। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप न्यूज़ चैनल्स में भी देखते हैं कि पॉलिटिशियंस के कुछ इवेंट्स या फिर पॉलिटिक्स की कुछ करी गई चीज़ों को कार्टूनाइज करके उनका थोड़ा सा मजाक उड़ाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, यानी कि जो है किसी को इतनी परेशानी हो रही है ज़िंदगी में कि उसके पास मरने से बेटर कोई चॉइस नहीं है, और उसे जो है मर्सी दी जाती है, यानी कि उसे शांति के लिए उसकी जो है प्राणों को ले लिया जाता है। उस एक्ट को क्या बोला जाएगा? आंसर होगा बी, यूथनेशिया। नेक्स्ट पर चलते हैं, वॉक इन स्लीप, यानी कि जो है नींद में चलना, उसे क्या बोला जाएगा? आंसर होगा सी, सोमनैम्बुलिज्म। जैसे कि इंसोम्निया, आपने सुना होगा वर्ड इंसोम्निया, मतलब जिसको नींद ना आती हो, तो सोमनिया का मतलब तो यही होता है जो सोता हो, और सोमनैम्बुलिज्म का मीनिंग हो गया नींद में चलना। नेक्स्ट पर चलते हैं, अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री इन ऑर्डर टू गो टू लिव इन अदर। एक पर्सन जो अपनी खुद की कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में रहने के लिए जाता है, उसे क्या बोला जाएगा? आंसर होगा ए, इमिग्रेंट। जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया से भी कई लोग जो है आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, उन्हें वहां जाकर जो है वो लोग इमिग्रेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, किसी बुरी चीज़ के लिए अपनी जो है आपको बुरा लगता है उसके लिए, आपको वो अपना गुस्सा दिखाते हैं उसके लिए और उसे डिसलाइक करते हैं किसी बुरी चीज़ के लिए, ये काफ़ी अच्छी हैबिट होती है वैसे तो। इसे क्या बोला क्या जाता है ये आपको बताना है, आपके पास टाइम है। आंसर होगा बी, प्रेम। नेक्स्ट पर चलते हैं, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, एक ऐसी चीज़ जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते या फिर जो है आप उसे इग्नोर करने की कोशिश नहीं कर सकते, तो उसे क्या बोला जाएगा? आंसर होगा ए, इनएविटेबल। अब नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिस्टिक म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, एक आर्टिस्टिक म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, एक कहानी सुनाई जाए बहुत ही आर्टिस्टिकल म्यूजिकल और ड्रामेटिक तरीके से, उसे क्या बोला जाएगा? आंसर होना चाहिए डी, रेंडिशन। आपने रेंडिशन वर्ड, अगर आप इंग्लिश स्टोरीज पढ़ते होंगे तो कई बार आपने देखा होगा लिटरेचर में रेंडिशन वर्ड का यूज़ होता है अगर पोएट की बात आती है तो। नेक्स्ट पर चलते हैं, वंस हु ऑफर्स हिज सर्विस फॉर हिज ओन फ्री विल, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सर्विस अपने खुद के जो है अपने खुद की मर्जी से आपको प्रोवाइड करता है, आप उसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करते, वो खुद ही अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करे, उसे क्या बोला जाएगा? और जल्दी बताइए। आंसर होगा सी, वॉलंटियर, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ ही लिया, वॉलंटियर जो है वो व्यक्ति होता है जो अपनी सारी सर्विसेज ऑफर करता है फ्री। वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा शक करता रहता है, उसे क्या बोला जाएगा? आंसर होगा ए, स्केप्टिक। अगले पर चलते हैं, अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, मतलब कि जो है बंदियों का, या फिर जो है आपको बंदी बनाकर आप अपना नौकर बनाया गया है, उन लोगों को जब बंदियों को इकट्ठा कर लिया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? कलेक्शन ऑफ स्लेव्स।
आंसर है ए कौफल। नेक्स्ट पर चलते हैं, अ प्रोफेशनल सोल्जर हायर टू सर्व इट्स फॉरेन आर्मी इन अ फॉरेन आर्मी, एक ऐसा सोल्जर ऑफिसर जो फॉरेन आर्मी के लिए फॉरेन की कंट्री के लिए अपनी जो है काम सर्व करता है उसे क्या बोला जाएगा, आंसर होगा ए मर्सिनरी। नेक्स्ट पर नॉट लाइकली टू बी इजीली प्लीज्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से खुश नहीं किया जा सकता उसे क्या बोला जाएगा, आंसर होगा ए फैस्टिडियस। नेक्स्ट पर चलते हैं, अ पर्सन हु अटेंड्स टू टू द डिस्केज्ड ऑफ आई इज एन, यानी कि एन जो है एक ऐसा व्यक्ति दो डिस्केसेस ऑफ आई यानी कि आँखों की जो है डिसीज या कुछ प्रॉब्लम को जो देखता है उसे क्या बोला जाएगा, आंसर होगा ए। नेक्स्ट पर चलते हैं, द स्टडी ऑफ वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़े मकोड़ों की जो जानकारी इकट्ठी करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उस जानकारी को आंसर होगा बी एंटमोलॉजी। नेक्स्ट पर चलते हैं, अ पर्सन हु डिवोट्स हिज हर लाइफ फॉर वेलफेयर ऑफ अदर, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की जिंदगी के लिए दूसरों के खुशी के लिए दूसरों की सेफ्टी के लिए अपनी लाइफ को जो है डिवोट कर दे उसे क्या बोला जाएगा, आंसर होगा ए अल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं, अ पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसने काफ़ी कुछ सीखा है ज़िंदगी में पर वो उसे लोगों में शो ऑफ बहुत करे उसे क्या बोला जाएगा, शो ऑफ का मीनिंग होता है कि फ्लॉन्ट करे या फिर जो है अपना आकड़ दिखाए या अपनी जो है ज़्यादा बढ़ाई करे उसे क्या बोला जाएगा, आंसर होगा ए पेंडेंट। नेक्स्ट पर चलते हैं, रिटर्न लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, इनमें से कौन सी जो है लेजिस्लेटिव बॉडी की रिटर्न लॉ है, आंसर है ए स्टैट्यूट। नेक्स्ट पर चलते हैं, एन एक्ट और नोशन टू लुक बैक इन द पास्ट, एक एक्ट और नोशन टू लुक बैक इन द पास्ट यानी कि पिछले समय की बातें याद करने के एक्ट को क्या बोला जाता है, आंसर होगा ए रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो आपको पुराने समय की चीज़ों को याद करके उसको एक पर्सपेक्टिव से देखना, रेट्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट पर चलते हैं, मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एक ऐसी दवाई जो एक जहर के लिए जहर के अपोजिट काम करे, जहर से लड़ने का काम करे, एंटीडोट हो या उसकी दवाई हो उसे क्या बोला जाएगा, आंसर होगा बी एंटीडोट। एक जहर से लड़ने की दवाई को एंटीडोट कहा जाता है। अ कलेक्शन ऑफ पोएम यानी कि जो है कविताओं के एक कलेक्शन को क्या कहा जाता है, कविताओं को इकट्ठा करके एक जगह रखा जाए तो उस कलेक्शन को क्या कहा जाएगा, आंसर होना चाहिए बी एंथोलॉजी। नेक्स्ट पर चलते हैं, वन हु स्टडीज मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो इंसान की जो है क्षमता या इंसान की स्टडी करे उसे क्या बोला जाएगा, आंसर होगा ए एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसमें से काफ़ी आप लोगों को इसका आंसर पता होगा क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी एंथ्रोपोलॉजी आता है। एन ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ, एक जो है पॉपुलर बिलीफ यानी कि एक
पॉपुलर जो लोगों के बीच में है, मान्यता रखता है, उसके बारे में अगर कोई ओपिनियन बनाता है तो उसे क्या बोला जाता है? आंसर होगा डी, हेरेसी। नेक्स्ट पर चलते हैं। समवन हु साइंटिफिकली स्टडीज द बर्ड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो साइंस के नज़रिए से बर्ड्स की स्टडी करता है, बर्ड्स की जानकारी प्राप्त करता है, उसे क्या बोला जाता है? आंसर होगा डी, ऑर्निथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। समथिंग विच इज़ इमेजिन टू बी रियल बट एक्चुअली डज नॉट एक्सिस्ट, एक ऐसी चीज़ जो आपकी इमेजिनेशन यानी कि आपकी जो है दिमाग में आपको लगता है कि रियल है बट एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो रियल में वो चीज़ कभी एग्जिस्ट नहीं होती। तो इसका आंसर क्या होता है? ए, फिगमेंट। नेक्स्ट पर चलते हैं। समवन हैविंग मैनी स्किल्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत सारी स्किल्स होती है, एक से ज़्यादा स्किल्स होती है उसके पास, उसे क्या कहा जाएगा? आंसर है ए, वर्सेटाइल, यानी कि उसे जो भी काम दिया जाए वो कर लेता है, वर्सेटाइल उसे कहा जाता है। और एक से ज़्यादा स्किल्स है तो आपको वर्सेटाइल बोला जाएगा कई लोगों के थ्रू, आपको कई लोगों से सुनने को मिल सकता है ये बात अगर आप एक से ज़्यादा स्किल में माहिर हैं तो। अगला जो है, टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को सीज करने के एक्ट को क्या कहा जाएगा ऑफिशियली? आंसर होगा बी, कॉन्फिस्केट। नेक्स्ट पर चलते हैं। अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, एक स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के फॉर्मर स्टूडेंट को क्या कहा जाएगा? आंसर होना चाहिए ए, एलुमनस। नेक्स्ट पर चलते हैं। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, एक बिल्डिंग जहां पर एयरक्राफ्ट को रखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? आंसर होना चाहिए ए, हैंगर। नेक्स्ट पर चलते हैं। शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, एक पर्सनल एक्सपीरियंस कर बेस एक स्टोरी सुनाई जाती है उसे क्या बोला जाता है? सोचिए, आपके पास टाइम है। आंसर होगा सी, एनेक्डोट। नेक्स्ट पर चलते हैं। अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइनों की एक पोएम को क्या कहा जाता है? और एक मैं आपको फन फैक्ट बताता हूँ, पोएम जो होता है उसको इंग्लिश में आजकल पोम प्रोनाउंस किया जाता है। पोएम जो है हमें बचपन में सिखाया जाता है बट अब इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है चेंज आ चुका है, पोएम को पोम कहा जाता है। अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स यानी कि 14 लाइन की कविता, उसे क्या कहा जाता है? आंसर आपने सोच लिया होगा, आंसर है सी, सोनेट। नेक्स्ट पर चलते हैं। इनकेबल ऑफ एरर, यानी कि एक ऐसा एक ऐसी चीज़ या एक ऐसा व्यक्ति या फिर कोई ऐसा जो किसी एरर को कर ही ना सके, कोई गलती कर ही ना सके, उसके पास क्षमता नहीं है गलती करने की, उसे क्या कहा जाएगा? आंसर है डी, इनफेलिबल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है और जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी ये उस वीडियो में था क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। वन हु बिलीव्स एवरीथिंग ही शी हर्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई भी बात बता दी जाए तो वो फटाफट उस पर विश्वास कर ले, उसे क्या बोला जाएगा? सोचिए जी। आंसर होगा क्रेडुलस, ए। नेक्स्ट पर चलते हैं। एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, वाइफ को दी गई अलाउंस हस्बैंड द्वारा जब वो सेपरेट हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? आंसर है ए, एलिमनी। जब हस्बैंड और वाइफ डिवोर्स करते हैं तो हस्बैंड द्वारा वाइफ को दी गई जो है एक अलाउंस या कहें एक फीस या कुछ रेगुलर अमाउंट पर दिए गए पैसे
या फिर मे बी पैसे नहीं, या प्रॉपर्टी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। कंपनसेशन जो है वो हस्बैंड को देना पड़ता है अगर इंडियन मैरिजेज में वो सेपरेट होते हैं, तो उसे एलिमनी कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, वाइल्ड इमेजिनेशन। एक इमेजिनेशन जो बहुत ही लोगों की समझ से परे है, उसे क्या कहा जाएगा? आंसर होगा बी, फैंटेसी। फैंटेसी आपने पहले भी वर्ड सुना होगा। फैंटेसी जो है एक ऐसी स्टडी, वो होती है इमेजिनेशन जो रियल नहीं होती, बट वो इतनी वाइल्ड होती है जो लोगों के लिए कई बार इमेजिन करना मुश्किल होता है, और जो लोग इसे इमेजिन करते हैं वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। आर्ट ऑफ वर्किंग विथ मेटल्स, यानी कि लोहे के साथ काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा इंग्लिश में? आंसर होगा बी, मेटलर्जी। अगले पर चलते हैं, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक जगह जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है। ये क्वेश्चन अभी आया था, आपको इसका आंसर देना है। आंसर है ए, एवियरी। नेक्स्ट पर चलते हैं, गैदरिंग एट रिलीजियस प्लेस, यानी कि जो है एक रिलीजियस प्लेस या एक जिस रिलीजन से रिलेटेड एक जगह है वहां पर इकट्ठा होना, गैदरिंग, उसको क्या कहा जाएगा? आंसर होगा डी, कॉन्ग्रिगेशन। नेक्स्ट पर चलते हैं, वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को अपने पास संभाल कर रखता है या कलेक्शन करता है, उसे क्या बोला जाएगा? सोचिए, आंसर होगा डी, लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट पर चलते हैं, सबमिशन टू ऑल हैपन्स एज इनएविटेबल, और जब इनएविटेबल जो होता है उस टाइम पर आपको क्या क्या जो है होता है, उस चीज़ के सबमिशन को क्या बोला जाएगा? आंसर होगा ए, फैटलिज्म। फैटलिज्म मींस होता है एक्सेप्टेंस ऑफ बिलीफ दैट ऑल इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड एंड इनएविटेबल, यानी कि फैटलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा बिलीव जिसमें आपको लगता है कि हर चीज़ जो है पहले से डिटरमाइन करी गई है, पहले से प्लान करी गई है किसी के द्वारा। अगले पर चलते हैं, अ पर्सन हु इज़ ईजिली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, उसे क्या बोला जाएगा? आंसर होगा डी, गुलिबल। नेक्स्ट पर चलते हैं, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, एक ऐसी चीज़ जो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती, उसे क्या बोला जाएगा? आंसर होगा बी, इफर्मेरल। नेक्स्ट पर चलते हैं, रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, कुछ ऐसे रूल्स जो गवर्न करते हैं सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, यानी कि सोशली जो लोग एक्सेप्ट कर पाए ऐसा बिहेवियर, उसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा ए, एटिक्वेट। नेक्स्ट पर चलते हैं, वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेब्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो उधार लेकर चुका नहीं पाता, उसका आंसर क्या होना चाहिए? बैंकरप्ट। बैंकरप्ट उन लोगों को भी बोलते हैं जो मे बी बैंक से बहुत बड़ा लोन ले लेते हैं और फिर उनके पास एक पाई नहीं होती चुकाने के लिए, तो उन्हें बैंकरप्ट बोल दिया जाता है। अगला जो है 150, इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट, एक ऐसी चीज़ जो चीज़ों को बहुत मैग्नीफाई करके दिखाती है, यानी बहुत बड़ा दिखाती है, उसे क्या बोला जाता है? ए, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बारे में जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा, माइक्रोस्कोप होता है जो एक टूल होता है चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखने के लिए, और माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है
जो चीज़ों को इतना मैग्नीफाई कर देता है कि हम उसके सेल्स मॉलिक्यूल्स तक को देख सकते हैं, और इसीलिए माइक्रोस्कोप एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही क्रिएटिव चीज़ है। माइक्रोस्कोप को जब आप देखते हैं, माइक्रोस्कोप जो है अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है, बट मेनली माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है मेडिकल साइंस में। नेक्स्ट पर चलते हैं, एनिमल्स विच लिव इन वाटर, जानवर जो पानी के अंदर जीते हैं उनका नाम क्या होगा? डी एक्वेटिक। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, यानी कि प्लांट्स पेड़ पौधों की जो है लाइफ के बारे में स्टडी करने को क्या बोला जाएगा? आपके पास टाइम है, सोचिए। आंसर होगा सी, बॉटनी। बॉटनी एक एडिशनल सब्जेक्ट्स भी दिया जाता है, कई जो है एजुकेशनल बोर्ड द्वारा बॉटनी सब्जेक्ट दिया जाता है एडिशनल में। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक्सक्लूसिव पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ पर कंट्रोल हो जाना जो सबके पास नहीं होता, उसे क्या बोला जाएगा? आंसर है सी, मोनोपोली। नेक्स्ट पर चलते हैं, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, यानी कि एक जगह जहाँ पर मनी को है रखा जाता है, आंसर क्या है? आंसर होगा बी, मिंट। नेक्स्ट पर चलते हैं, अ सीरीज ऑफ लेक्चर और लेसन, एक लेक्चर या लेसन की सीरीज को क्या बोला जाता है? एक सिंगल लेक्चर नहीं, एक उनकी सीरीज, या फिर कहें एक पूरी प्लेलिस्ट जैसे हमारे चैनल पर होती है उसी तरीके से, उस कलेक्शन को क्या बोला जाएगा? आंसर होना चाहिए ए, कैटलॉग। नेक्स्ट पर चलते हैं, अ फॉल्स नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर फॉर राइटिंग, कई बार आपने देखा होगा लिटरेचर में जो ऑथर्स हैं वो अपनी जो है लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो है वो कुछ ऐसे मुद्दे उठा लेते हैं जो उनके लिए काफ़ी मुसीबत क्रिएट कर सकते हैं, या फिर उनकी लाइफ भी थ्रेटन कर सकते हैं, उसके लिए जो है वो अपना फॉल्स नेम यानी अपना झूठा नाम लिखते हैं कहानी के ऑथर, और उस नेम को क्या कहा जाता है? आंसर होना चाहिए डी, सुडोनिम। नेक्स्ट पर चलते हैं, वन हु पोजेसिस मैनी टैलेंट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत, जिसके पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं। ये क्वेश्चन अभी आया था तो आपको आंसर पता होना चाहिए इसका। अब बिल्कुल सही है, इसका आंसर है वर्सेटाइल, अ वेरी एक्यूरेट फॉर्म ऑफ क्लॉक, एक घड़ी की सबसे एक्यूरेट फॉर्म को क्या कहा जाता है? आंसर है डी, क्रोनोमीटर। नेक्स्ट पर चलते हैं, 159, इसमें द बिलीफ दैट गॉड इज एवरीथिंग इंक्लूड नेचर, एक बिलीफ यानी कि जैसे लोगों का विश्वास कि भगवान हर चीज़ है और नेचर में भी भगवान है और हर चीज़ में भगवान है, उस बिलीफ रखने को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ए, पैंथिज्म। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, एक स्टडी गार्डन प्लांट्स को ग्रो करने की, उसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा बी, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के बारे में भी आपने सुना होगा, ये 10th और 12th में काफ़ी आता है। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, एक ऐसा राइटर जो दूसरों की जो है लिखी हुई चीज़ों को कॉपी करता है, उसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा बी, प्लेगियरिस्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, एक स्टडी जिसमें अर्थक्वेक के बारे में जानकारी को इकट्ठा करा जाता है और समझा जाता है, उसे क्या बोला जाएगा? आंसर है सीज़मोलॉजी। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये हमारा लास्ट है, ग्रेजुअली एडवांस, यानी कि जो है एक एडवांस चीज़
उसे क्या बोला जाएगा? आंसर होगा ए, इवोल्यूटेड, यानी कि जो है इवॉल्व हो जाना। इवॉल्व का मतलब होता है कि समय के हिसाब से खुद को ढाल लेना, या फिर आपकी नीड के हिसाब से खुद को ढाल लेना, उसको एवोल्यूशन कहते हैं। और एवोल्यूटेड का मतलब होता है जिसने ऑलरेडी एवोल्यूशन जो है गेन कर ली है, और इसीलिए ग्रेजुअली एडवांस का जो आंसर है वो एवोल्यूटेड आएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे आंसर्स ख़त्म हो जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताए गए हैं। अगर आप इन दो वीडियो को, एक ये वीडियो और एक इससे पहले आई हुई वीडियो, इन दो वीडियोस को देख लेते हैं, आपको रट्टा नहीं मारना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप समझ के भी करें तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। इसी तरीके की वीडियो हम लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सपोर्ट रखिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम वैकेंसी डिटेल्स भी डालते रहते हैं, तो अगर आप हमारी वैकेंसी डिटेल्स चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जो रेगुलर अपडेट्स रहते हैं जिस पर वैकेंसीज़ की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरीके की वीडियो हम रेगुलर लाएंगे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारी कोई डिटेल चाहिए तो आपको जो है हमारी वेबसाइट पर जाना होगा, www.kushmanda.com। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। और उसके अलावा जो है हमारी हेल्पलाइन भी आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करी जाएगी, आप वहाँ पर कॉल करके भी कोई भी डिटेल ले सकते हैं हमारी। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरीके की वीडियो हम लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। हमारी टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।